उनमें से पांच आपको आ गए, और देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप फाइव में से चार आ गए हैं, तो और आपको क्या चाहिए। तो फिर भी ये क्वेश्चंस रीड करने के बाद मैं आपको इन क्वेश्चंस में से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फाइंड आउट करने का तरीका बता दूंगा। चलें क्या याद करेंगे, अब मैं आपको समझा देता हूं, आपको समझ आ जाए। देखें जी, ये मैंने आपको 2022 में मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था पहले नंबर पर, यानी बहुत इंपॉर्टेंट था, एनुअल में नहीं आया। ये जो रेड से नंबरिंग आ रही है सप्लीमेंट्री की है, तो ये सप्लीमेंट्री में भी वन ही था। अगर तो ये सप्लीमेंट्री में नहीं आया तो इसके आने के चांसेस अभी भी बहुत ज्यादा हैं, अभी भी ये पहले नंबर पे रखें। अब आप देखें छठे नंबर वाला क्वेश्चन, देखें सप्लीमेंट्री मैंने इसको कौन सा नंबर दे दिया, दूसरा। अगर ये सप्लीमेंट्री में नहीं आया तो ये आपका 2023 के लिए भी दूसरा ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बीकॉम पार्ट वन यानी पंजाब यूनिवर्सिटी से जो स्टूडेंट्स एडीपी या एडीसी पार्ट वन कर रहे हैं उन तमाम स्टूडेंट्स को मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस के एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का गैस बताएंगे। आप परेशान ना हो कि ये तो 2022 के हैं, जो क्वेश्चंस 2022 में थे वही आपके 2023 के लिए भी हैं। लेकिन आपके सामने इस वक्त एक थंबनेल आ रहा है, आप इस वीडियो को भी लाजमी देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि 2022 के क्वेश्चन ही 2023 में क्यों हैं और ये जो नंबरिंग साथ की है इसका क्या मतलब है। पहले मैं आपको ये क्वेश्चंस स्क्रॉल कर दूंगा, आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा और फिर मैं आपको इन क्वेश्चंस को रीड भी कर दूंगा जी। तो ये क्वेश्चन मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लें, अगर आपको समझ आ जाती है तो आप वीडियो स्किप करके इन तमाम क्वेश्चंस को तैयार कर लें। मेरी दुआ है कि ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको गैस के लिए दिए हैं आपके पेपर में तमाम क्वेश्चंस इसी गैस में से आएं और आप तमाम स्टूडेंट्स के पेपर्स इंतहाई अच्छे हों और आप तमाम स्टूडेंट्स इंतहाई अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल करें। तो स्टूडेंट्स जब भी मैं आपको गैस देता हूं तो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस बताता हूं और सीक्वेंस बताता हूं कि आपने पहले कौन सा क्वेश्चन तैयार करना है, दूसरे नंबर पे कौन सा करना है, तीसरे, चौथे, पांचवें, सो ऑन। इसी तरह आपने तरतीब वाइज क्वेश्चन कैसे तैयार करने हैं कि आप कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा तैयारी कर सकें। तो आप देखें मैंने MBF के जो गेस दिए उसमें से आपके पेपर में 7 क्वेश्चन आए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन बताए उनमें से 5 आपको आ गए, और देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 5 में से 4 आ गए हैं, तो और आपको क्या चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 में से आपको 4 आ गए हैं, तो अब अगर आप चाहते हैं कि 2023 के भी मैं आपको इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दूं कि आप पहले नंबर पे कौन सा करें, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें पे कौन सा तैयार करें ताकि आपका टाइम भी बच जाए और आप कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा तैयारी भी कर सकें और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पहले तैयार कर सकें। तो सर उसके लिए मैंने एक छोटा सा टारगेट आप लोगों को रखा है कि आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें। जिस सब्जेक्ट के गेस की वीडियो पर 5000 व्यूज और 500 लाइक्स आ जाएंगे मैं आपको उस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस विद सीक्वेंस बता दूंगा। देखें अगर मैंने पहले 5 बताए हैं तो उसमें से 4 आ गए हैं, तो मुझे कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ी ना इसके लिए। मुझे आपके कोई 15 से 20 सालों के पास पेपर्स खंगालने पड़ते हैं, सर खपाना पड़ता है, फिर जाके ये सीक्वेंस बनता है। अगर मैं आपको कहूँ कि जी दूसरे नंबर पे ये इसका चांस है आने का, तीसरे नंबर पे इसका आने का चांस है, चौथे नंबर पे इसके आने का चांस है, पांच, और वो सारे ही आ जाएं, तो कोई ना कोई तो मेहनत है ना इसके पीछे। तो अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो आप भी थोड़ी मेहनत करें। वीडियोज़ को आपने फॉरवर्ड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, 5000 व्यूज़ और 5000 लाइक्स आ जाएंगे। जिस सब्जेक्ट के आ जाएंगे उसके आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 विद सीक्वेंस बता दूंगा। अगर आपका नहीं दिल कर रहा, आप नहीं फॉरवर्ड करना चाहते, ना अपना भला करना चाहते हैं, ना दूसरों का भला करना चाहते हैं, ना मेरा भला करना चाहते हैं, तो फिर भी ये क्वेश्चंस रीड करने के बाद मैं आपको इन क्वेश्चंस में से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फाइंड आउट करने का तरीका बता दूंगा। चलें क्या याद करेंगे, तो पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं जी। बार्टर सिस्टम, फंक्शंस ऑफ मनी है जी, क्वालिटीज ऑफ गुड मनी है जी, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पेपर मनी है जी, ट्रेड साइकिल एंड काजेज एंड फेजेज है जी, थ्योरी ऑफ द वैल्यू ऑफ मनी है जी, क्रेडिट क्रिएशन है जी, चेक बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट का डिफरेंस है जी,
बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप है और इनका टर्मिनेशन है जी, लेटर ऑफ क्रेडिट का प्रोसीजर है जी, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का डिफरेंस है जी, रोल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है जी, इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग है जी, काइंड्स ऑफ बैंक्स और काइंड्स ऑफ बैंक अकाउंट्स हैं जी, मेरिट्स एंड डी मेरिट्स ऑफ इक्विटी फाइनेंस है, आप डेट फाइनेंस के मेरिट्स और डी मेरिट्स भी कर रहे हैं जी, टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस है जी, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक है जी, मॉनिटरी पॉलिसी है जी, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक है जी, प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स भी कर लीजिएगा, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन का डिफरेंस है जी, मेरिट्स एंड डी मेरिट्स ऑफ डी वैल्यूएशन ऑफ मनी है जी, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ नोट इश्यू है जी, टाइप्स ऑफ मनी है जी, यूजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर है जी, इंपॉर्टेंस एंड एवोल्यूशन ऑफ मनी है जी। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको गैस के बता दिए हैं, अगेन अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 का सीक्वेंस भी जानना चाहते हैं तो वीडियोस को ज्यादा फॉरवर्ड करें, 5000 व्यूज और 500 लाइक्स कोई बड़ा टारगेट नहीं है, पर अब मैं आपको समझा देता हूं, आपको समझ आए। देखें जी, ये मैंने आपको 2022 में मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था पहले नंबर पर, यानी बहुत इंपॉर्टेंट था, एनुअल में नहीं आया। ये जो रेड से नंबरिंग आ रही है सप्लीमेंट्री की है, तो ये सप्लीमेंट्री में भी 1 ही था। अब आप चेक करें कि सप्लीमेंट्री के पेपर में ये आया है कि नहीं आया, अब आप थोड़ी मेहनत खुद कर लेना। अगर तो ये सप्लीमेंट्री में नहीं आया तो इसके आने के चांसेस अभी भी बहुत ज्यादा हैं, अभी भी ये पहले नंबर पे रखें, अब ये दूसरे तीसरे चौथे पांचवें पे जो आ गए इनको छोड़ दें। अब आप देखें छठे नंबर वाला क्वेश्चन देखें, सप्लीमेंट्री मैंने इसको कौन सा नंबर दे दिया, दूसरा। अगर ये सप्लीमेंट्री में नहीं आया तो ये आपका 2023 के लिए भी दूसरा ही है। एक और तरीका आपको बता देता हूं जी, इन गेस के क्वेश्चन में से आप 2022 के एनुअल के और 2022 के सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन निकाल लें, आप बाकी के तैयार कर लें, एक ये भी तरीका है। बार बार क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी होते हैं, वो भी नज़र में रखने पड़ते हैं, इसके लिए पास पेपर्स खंगालने पड़ते हैं। तो अगर आप खुद मेहनत करना चाहते हैं, थोड़ी सी मेहनत है, इसमें से आप 22 के, ये 22 के जो मैंने मार्क किए हैं वो हैं, 22 के सप्लीमेंट्री के मेरे पास नहीं है, वो आप देख लें, नेट से देख लें। अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो व्हाट्सएप नंबर आपके पास आ रहा है, मुझे भी सेंड कर दें, ताकि जब मैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 बनाऊं तो मेरे सामने सप्लीमेंट्री के पेपर्स भी हों, ताकि सीक्वेंस अच्छा बन सके। आखिर में मेरी फिर यही दुआ है कि जो क्वेश्चन मैं आपको गेस्ट के लिए दे रहा हूं, आपके पेपर्स में क्वेश्चन इन्हीं में से आए, और आप तमाम स्टूडेंट्स के पेपर्स इंतहाई अच्छे हों, और आप तमाम स्टूडेंट्स इंतहाई अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल करें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। जज़ाकअल्लाह।